हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पे आज अगेन हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ मायो स्पेशल सैंडविच रेसिपी, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इस सैंडविच को बनाने के लिए हम तीन तरह की बहुत ही अमेजिंग मायोनीज यूज़ करने जा रहे हैं। व्हाइट सॉस मायोनीज तो आपने बहुत खाई होगी, आज हम साथ में ही यहाँ पे ले रहे हैं तंदूरी मायोनीज और चिपोटले मायोनीज। वेजिटेबल्स आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज ली है, दो बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, स्मॉल साइज़ की प्याज थी। टमाटर लिया है मैंने एक, जिसकी मैंने अंदर के सीड्स निकाल के उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। एक बारीक चॉप करके यहाँ पे मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च। तंदूरी मायोनीज बहुत ज़्यादा चिली होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। अगर आप ज़्यादा तेज तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे हरी मिर्च को भी चॉप करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मिक्स करने जा रहे हैं 5 से 6 चम्मच भर के व्हाइट वाली मायोनीज। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हम क्योंकि आज मायोनीज स्पेशल सैंडविच बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे रेड सॉस का यूज़ नहीं करा है। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं, और इस लेवल पे आप मायोनीज भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी वेजिटेबल्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच भर के ही यहाँ पे हम डालने वाले हैं ओरिगैनो, और 1/2 चम्मच करीब ही यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं सफ़ेद नमक। मसालों में और कुछ नहीं डालना, मायोनीज में अपने आप बहुत मसाले हैं। अब बस इन मसालों को और मेयोनीज को सारी वेजिटेबल्स का हमें अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि सभी वेजिटेबल्स पर मेयोनीज अच्छे से कोट हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ली हैं ब्रेड की 2 स्लाइसेस, जिनके हम साइड्स को कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें इन्हें कट कर लेना है दोनों ही स्लाइसेस को, और अब हम एक एक स्लाइस पे करके हमारी मेयोनीज को स्प्रेड करने जा रहे हैं। एक स्लाइस पे हम लेने जा रहे हैं तंदूरी मेयोनीज और एक स्लाइस पे हम लेने जा रहे हैं चिपोटले मेयोनीज। दोनों का ही टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इनका। बिल्कुल अच्छे से इन्हें स्प्रेड कर देंगे। आपने अगर मायोनीज के ये वाले फ्लेवर्स खाए हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये फ्लेवर्स कैसे लगे। हमें तो बहुत ही टेस्टी लगे ये। नॉर्मल वाइट वाली मायोनीज के साथ तो हम लोग सैंडविच बनाते ही रहते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आया है इसका। चलिए, हमने दोनों ही ब्रेड पे मायोनीज बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर दी है। अब हम एक स्लाइस पे रखने जा रहे हैं हमारी स्टफिंग, जो हमने बना के तैयार करी थी वेजिटेबल स्टफिंग। यहाँ पे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। साथ में ही यहाँ पे हम रखने वाले हैं एक स्लाइस चीज़ की, हमने यहाँ पे रख दी है, और इसके ऊपर हम रख रहे हैं बॉइल्ड पोटैटो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, और बस हमें इसे बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है, आप इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे तवे पे सेकने जा रही हूँ, आप सैंडविच मेकर में या ग्रिल्ड सैंडविच मेकर में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने तवा गर्म करके उस पर डाल दिया थोड़ा सा बटर। सैंडविच रख के इसे 1 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, ऊपर से भी हल्का सा बटर लगा दिया है, और इसे हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से नीचे से सेक चुका है, और दूसरी साइड से भी हम इसे अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। सर्विंग के लिए इसे हम सर्व करने जा रहे हैं टमाटो केचप के साथ, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें चीज़ और वेजिटेबल्स स्टफ्ड हैं। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।